नमस्कार, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। 10 अक्टूबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब के बस परमिटों को लेकर एक अहम सुनवाई है। शायद इसीलिए पंजाब का ट्रांसपोर्ट विभाग आजकल हर दिन एक नया नोटिफिकेशन या एक नया ऑर्डर जारी कर रहा है। बीते दिनों आपने ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखा कि आरटीए सेक्रेटरीज द्वारा पीआरटीसी और रोडवेज को नोटिस जारी किए गए हैं कि किस तरह से नए टाइम टेबल बनाए जाएंगे और उसमें जो 24 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सटेंशंस हुई हैं उन परमिट्स को शामिल नहीं किया जाएगा टाइम टेबल्स में। इसके बाद दो और नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जो पंजाब ट्रांसपोर्ट स्कीम सरकार बनाई थी ट्रांसपोर्ट विभाग ने, उसमें अमेंडमेंट की गई है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं हम बात करते हैं। पहली चेंज तो यही है कि अब स्कीम का नाम बदल कर हो गया है पंजाब ट्रांसपोर्ट अमेंडमेंट स्कीम 2018। इसमें छोटे छोटे दो तीन बदलाव हैं। पहला बदलाव तो ये किया गया है कि इंटरस्टेट रूट्स को लेकर, इंटरस्टेट रूट्स पे पहले भी ये क्लियर था कि जो 100% सर्विस है वो एसटीयू देगी, फ्यूचर में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग देगी और इसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स का शेयर ज़ीरो रहेगा। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया था स्टेज कैरेजेस हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 39 और मोर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर विद द फर्दर कंडीशन दैट एयर कंडीशनड स्टेज कैरेजेस शैल बी रन ओनली बाई एसटीयू आउट ऑफ देयर ओवरऑल शेयर। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा बदलाव किया गया है। पहले भी ये लिखा गया था कि जो वो एयर कंडीशन बसेज एसटीयू चलाएगी वो अपने ओवरऑल शेयर में से ही चलाएगी। अब उसके साथ एक तीन अक्षर और जोड़ दिए हैं, वो है इन ईच कैटेगरी, ओवरऑल शेयर इन ईच कैटेगरी। इसका सिर्फ इतने ही मायने जो हम समझे हैं वो ये है कि हर कैटेगरी में, मान लीजिए नेशनल हाईवे वाली कैटेगरी है, एक स्टेट हाईवे वाली कैटेगरी है, तो जैसे उसमें 50-50 शेयर है एसटीयू का और स्टेट हाईवे में 40-60 है, तो वो जो एसी परमिट चलाएगी वो उसी 40 या 50 के अंडर ही रहेगी, उसके बाहर नहीं। हमें लगता है कि ये जो चेंज इसमें किया गया है ये फ्यूचर में कोई लीगल अड़चन ना आए इसलिए उसको थोड़ा दुरुस्त किया गया है और इसका ज़्यादा मायने नहीं है। दूसरा जो बड़ा बदलाव, दो अमेंडमेंट जो करी गई है उसमें ये है कि जो डी सेक्शन है आप देख सकते हैं पुरानी स्कीम में, उसमें था स्टेट हाईवे, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसमें एसटीयू का शेयर 40 और प्राइवेट ऑपरेटर का 60 होना है। अब क्या क्या चेंज जो करी गई है उसमें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को यहाँ से हटा दिया गया है। ये जो सेक्शन है डी, इसमें स्टेट हाईवे और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड ही रह गया। अब इसमें 40-60 का अनुपात रहेगा एसटीयू और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में। तो ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहाँ चली गई, ये चली गई मिनी बसेस के पास। तो ई सेक्शन जो ई पॉइंट में एक अमेंडमेंट कर दी गई है, उसमें जहाँ पे लिखा था पहले कि चैप्टर 5 के अंदर मिनी बसेस शब्द अब नहीं है, अब है कि 38 और लेस, जो 38 या उससे कम वाली जो सिटिंग कैपेसिटी वाली बसेज हैं चैप्टर 5 के अंदर उनको परमिट मिलेंगे और वो पहले था कि रूरल लिंक रोड्स पे ही वो चलेंगे, अब कर दिया है कि रूरल लिंक रोड्स यानी जो गाँव की सड़कें उसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी उसमें शामिल कर दी गई हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में जो भी मेन डिस्ट्रिक्ट रोड में या स्टेट हाईवे में या नेशनल हाईवे में सड़क नहीं आती है वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आ जाती है। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या नबार्ड की सड़कें वगैरह वो इसमें आ जाएंगी। ये जब ट्रांसपोर्ट स्कीम का ड्राफ्ट पहले 2017 में जारी किया गया था तब मिनी बस ऑपरेटर्स का ये एतराज़ था कि लिंक रोड तो आज की डेट में पंजाब में बची नहीं है, ज़्यादा वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आ गए हैं या स्टेट हाईवेज बन गए हैं ज़्यादातर। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लिंक रोड ही नहीं है, तो मिनी बसें कहाँ चलेंगी, कहाँ पे ये जो रूरल सर्विस कैसे लोगों को मिल पाएगी। शायद उसका ये समाधान करने की कोशिश की गई है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी अब इसमें ऐड कर दिया गया। तो बेसिकली ये तीन चार जो इसमें जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें अमेंडमेंट की गई है। और डिटेल में और ये नोटिफिकेशन पढ़ने आप हमारे ट्रांसपोर्ट टाइम न्यूज़पेपर के अगले अंक में ये देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक और ऑर्डर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा जारी किया गया है सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को। इसमें उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मांगी है सभी आरटीओ से। 1 तारीख को यह पत्र जारी किया गया है 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर तक इन्फॉर्मेशन देने को कहा गया है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो कोर्ट के जो 2012 वाले फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा
कि कोई भी इलीगल बार बार की गई एक्सटेंशन, कर्टेलमेंट, डाइवर्शन जो 24 किलोमीटर से ज़्यादा हो या इंक्रीज इन ट्रिप हो इलीगल, या 2011 से पहले का हो या 2011 के बाद का हो, उन सभी परमिट्स की डिटेल मांगी है और साथ में एक परफॉर्मा दिया है। परफॉर्मे के अंदर आप देख सकते हैं 5 चीज़ें मांगी हैं। पहली है कि जो एग्जिस्टिंग परमिट चल रहा है, मौजूदा रूप में वो जो परमिट की स्थिति है एक्सटेंशनों के समेत, वो पहले मांगा है पहले कॉलम में। फिर परमिट नंबर क्या है, उसके बाद मांगा है कि इसके रिटर्न ट्रिप कितने हैं। चौथी चीज़ जो इसमें मांगी है कि जो इलीगल या कैंसल्ड कह सकते हैं, जो कैंसिल कर दिए कोर्ट ने एक्सटेंशन, डिवर्शन, कर्टेलमेंट, इंक्रीज इन ट्रिप, उसकी डिटेल मांगी है चौथे कॉलम में। और पांचवें कॉलम में ये जो एक्सटेंशन डिवर्शन को कैंसिल करने के बाद जो मौजूदा इसका स्वरूप बनता है परमिट का, वो पांचवें कॉलम में मांगा है। तो ये बेसिकली 3 मेन चीज़ें हैं, मौजूदा परमिट क्या है, इलीगल एक्सटेंशन डिवर्शन कितनी है और मौजूदा रूप में अभी परमिट क्या स्थिति है। तो ये इन्फॉर्मेशन RTA से मांगी है। वैसे हमारे सूत्रों के हिसाब से तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सभी RTAs के पास और STC ऑफिस के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका क्या लॉजिक है दोबारा मांगने का, शायद 10 अक्टूबर की जो सुनवाई है उसके लिए दोबारा मांगा गया है या कोर्ट में वो दिखा सकेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जी हमने ये कार्रवाई आपके ऑर्डर्स पे चल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प घटना हुई है। सरबजीत सिंह जी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का ट्रांसफर कर दिया गया है वाटर सोर्स डिपार्टमेंट के अंदर और माइंस एंड जियोलॉजी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पद पर अब श्री जसपाल सिंह जी को लगाया गया है, IAS अफसर हैं। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि इस टाइम पंजाब ट्रांसपोर्ट उद्योग बहुत ही क्रिटिकल समय दौर से गुजर रहा है। हजारों परमिटों और ऑपरेटरों की किस्मत का फैसला होना है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, केस चल रहा है, बड़ी ही पेचीदा केस है। इस टाइम पर ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करना समझ से परे है। कुछ ही दिन पहले अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी बदला गया है, जो नए STC हैं वो छुट्टी पर चल रहे हैं। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि इस टाइम एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ऑफिसर्स का टेन्योर कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। जब तक ये पूरे जो कोर्ट केसेस है सॉल्व नहीं होते, ये पूरा जो इशू है इसके लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचता। लेकिन अब ये तो पंजाब सरकार ही बता सकती है कि ये फैसला उन्होंने क्यों किया। तो अब 10 अक्टूबर को अगली तारीख है, उसमें क्या होता है, क्या अपडेट आता है इस केस के अंदर, उसके लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई अपडेट है, हर जो न्यूज़ है आप तक साथ के साथ पहुंचती रहें। ट्रांसपोर्ट जगत की अन्य खबरें देखने के लिए देश का एकमात्र कमर्शियल व्हीकल न्यूज़ चैनल ट्रांसपोर्ट TV देखते रहिए। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट TV को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।